हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय हुंडई। आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम आज के दिन अपनी मर्जी के मालिक बन गए, आजाद। पर आजादी का मतलब सिर्फ किसी और की हुकूमत से छुटकारा नहीं है। अक्सर हम खुद ही अपने डर, अपनी आदतों, अपने कंफ्यूजन में बंधे रहते। ऊपर से हम भले ही लगे अपने मर्जी के मालिक, पर अंदर से हम आजाद नहीं। अगर ऐसा है तो असल में आजाद होने का मतलब क्या है, आज पूछेंगे प्रीति, पल्लवी और महिमा से। प्रीति से ज्यादा फ्री और आजाद कौन हो सकता है? इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मतलब सभी लीज के अकॉर्डिंग प्रीति एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद औरत है। खाओ पियो मस्त रहो, यही है प्रीति का नारा। तो क्यों ना सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पे उसी से मिलके देख लें, बिना बंधन जीना किस चीज को कहते हैं। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए जोहान के स्कूल में ड्रेस कोड व्हाइट या ट्राइकलर था, पर मैंने उसको आर्मी के यूनिफॉर्म में भेजा। जय हिंद। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा, हम सबको नाज है। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि अमर जूस सेंटर का गार्लिक चिली चीज टोस्ट खरीदूं। भाई आपके पास एक गार्लिक चिली चीज टोस्ट सैंडविच ऐसा कुछ है क्या? चिली गार्लिक चीज ग्रिल सैंडविच है। हाँ, उसमें क्या क्या डालते हैं आप? दिल खोल कर खाना चाहिए, इट्स इंडिपेंडेंस डे यार। शांति से अकेले छुप के खाने का कितना मजा है। संजू जब वो मुझे देखता है कि मैं कुछ खा रही हूँ, एकदम घूरने लगता है, बोलता है बीवी तू खाते हुए कितनी अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, मैं क्या करूं, आई लव फूड। यम यम। मेरा दिल कर रहा है चिकन फ्राइड राइस खाने का। जल्दी मंगाओ। हाँ नहीं नहीं मंगाते। हाँ जी, डिलीवरी के लिए ऑर्डर लेंगे प्लीज। हाँ मेरे को एक चिकन फ्राइड राइस, एक स्टर फ्राइड वेजिटेबल सोया सॉस, बस एक चिली चिकन ड्राई। दिल किसी चीज पे है तो कभी दिल मानना नहीं चाहिए। ये है असली आजादी, खाओ पियो और मौज करो। प्रीति के शब्दों में कहूँ तो अपना मन मार के नहीं रहना चाहिए। आई अग्री, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता है, यही पल्लवी भी चाहती है। उसने एक नौकरी से छुट्टी पाई, अब अपने ही फैमिली बिजनेस में काम कर रही है। पर लगता है पल्लवी को अभी भी फील हो रहा है कि आजादी बस एक ख्वाब है। ऐसा क्यों? लंच टाइम। फ्रूट देखा नहीं मैंने, फ्रूट में बेसिस को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, हल्का फुल्का। मतलब ठीक मतलब? थोड़ा उसकी इमेज थोड़ी फटी हुई है, हल्की फुल्की है। नहीं नहीं वो भी इसमें लग रहा है। एक एक आउटडोर फ्लैट पोल्स है ना, एक आपको इमेज दिखा देता हूँ मैं, एक जरा इसको भी डाल देना। हम तो आउटडोर फ्लैट पोल्स भी सप्लाई करते हैं। सब कुछ नहीं आ सकता भाई,
सारी चीजें डाल दी मैंने, हर चीज थोड़ी ना आप डाल सकते हैं, एक एक नट बोल्ट थोड़ी ना डालेंगे उसमें। नट बोल्ट थोड़ी ना, बात कर रहा हूँ मैं इस इमेज की बात कर रहा था, आपको जरा इसमें इंटरेस्ट होगा तो देख लीजिए। ये बाकी इमेजेस से मेरी मैच नहीं करता है। जाइए फिर आप अपना भेज दीजिए। नहीं बस सीरियसली बताओ ना, यू नॉट हैप्पी विद द गो शो? आई एम वेरी हैप्पी, आई स्वेयर आई एम वेरी हैप्पी विद द गो शो। यू डोंट लाइक इट ना व्हेन आई कम हियर एंड वर्क? आई लव इट, आई स्वेयर ऑन शिव भगवान। बस मेरा ऑर्डर है, पहले मुझे ये खत्म करना है रो शो। ऑर्डर है आपकी? मेरा ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वर्क। अरे आप पहले जोर का झटका हाय जोरों से लगा लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा। हम दोनों के ओपिनियंस, हम दोनों के व्यूज यहाँ पे थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग हैं। मेरी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने की आदत रही है, अब तक जितना भी मैंने काम किया है, चार साल पाँच साल कॉर्पोरेट में, वो एक स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड, एक स्ट्रिक्टली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहा है। बंदी सैलरी की आदत रही है और ऐसा किसी टर्म से हमने कभी बात नहीं की है। बात हुई है कि जितना तुम सेल्स लाओगी उसका कमीशन ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। सो कहाँ एक बंदी हुई CTC, एक एक फिक्स्ड इनकम, और कहाँ इस तरह से। और यहाँ पे कभी कभी तो ये होता है कि घर का ही काम है, घर की मुर्गी है, अगर बाई चांस कभी कुछ और सामने आ जाए तो ये हो जाएगा कि हाँ थोड़ी देर से चली जाना ऑफिस। और जो मेरे काम को कम सीरियस बनाता है उससे मेरे लिए अच्छा है ना। Yeah, I love it. दूसरों के साथ बंधन मर्जी से चुना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना होगा। इतना एडजस्टमेंट सही है वो पल्लवी को जांचना पड़ेगा। महिमा को लगा था कि उसकी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट बाउंडेशन बन गया था, सो सारे बाउंडेशन छोड़ के वो आई मेरठ से बंबई, गुजरात जाके एक फिल्म की शूटिंग भी कर ली। अब वो नए सिरे से बंबई में बिल्कुल मजे से अपने रास्ते पे चल रही है। पर क्या वो वाकई सारे बाउंडेशन पीछे छोड़ पाई है? एक चीज तो है जो महिमा की आजादी के सफर का स्पीड ब्रेकर है। राजा था ना, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी तलवार से खींच के। तो बेटा किस्मत हम खुद बना सकते हैं। अगर मुझे भी अगर अपने हाथ पे एक स्टार बनाने की लाइन खींचनी है तो मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगी, मैं तो सबसे पहले खोजूंगी। ये है अनु दीदी, जिनके घर आजकल मैं रह रही हूँ। जब दीदी को पता चला मैं मेरठ से हूँ तो दीदी ने मेरी साइड थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि चलो अपने शहर की बच्ची है। मायापुरी पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा इंटरव्यू आया हुआ है। मीटिंग शूटिंग तो अनु जी आप बताइए, आपको 50 करोड़ मिलता तो आप क्या करेंगी? फिल्म बनाऊंगी मेरी जीजस की और उसमें काफी सारी महिमा होगी उनकी। भाई ये तो बड़ी बोरिंग निकली यार, ये तो सारे पैसे कैसे निकालूंगी? भाई मैं तो थोड़ी फिल्म में क्या करूंगी, मैं एक लोखंड वाला फ्लैट लूंगी, 50 लाख के सैंडल, 50 लाख की ड्रेस, 50 लाख की एसेसरीज एंड एक गाड़ी रखूंगी, एक बहुत बड़ा वाला घर लूंगी और एक हीरोइन बन जाऊंगी। हम यहाँ दीदी के शूट पर आए हैं। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए। हम लोग प्रोडक्शन में आए हैं, क्योंकि शूटिंग चल रही है। दीदी कर सकती क्या पार? तो मैं किसी का शूट करके अपना कर रही हूँ ना। प्लीज सर सराए छू के जाए, बहती हवा को कोई थाम ना पाए, इस सफर में मैं सिर्फ बॉम्बे में ही हूँ, आपका हूँ क्या बात कर रहे हो? गोविंदा से बात कर रहे हैं? भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाएं।
गोविंद ना आला बता नहीं सकती कि जब मैं उनसे मिली तो मुझे विश्वास ही नहीं कर रही थी कि मैं गोविंद जी के सामने खड़ी हूँ। बहुत मजा आया उनसे मिलके। मन की गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए। ये मेरा गोरी ना है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो लड़के होते हैं ना, उन्हें कितना भी प्यार दे दो, लेकिन उनके दिमाग में एक कीड़ा होता है, वो शक का। हाँ, खाना खाया गौरी? आप क्या मैसेज करते हो मेरे को? इरिटेट करने वाले किसके साथ हो आप जी? क्या क्वेश्चन था? कौन? अरे यार, उसका नाम मत लो ना, मेरे को उस औरत का नाम नहीं चाहिए गौरी, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गौरव नहीं चाहता कि मैं इस इंडस्ट्री में रहकर प्रोग्रेस करूं। जब भी मैं खुश होती हूँ वो ऐसी बात बोल देता है कि जिससे कि मुझे अपने आप पे शक होने लगता है। कभी कभार मुझे गिल्टी महसूस होने लगती है। आपकी ये छोटी-छोटी जो बातें होती है ना, ये फ्रीडम को और भी छोटा कर देती है। यार अभी आगे बढ़ने दो मुझे, अभी तो स्पीड स्टार्ट हुई है मेरी। कोई ऐसा हो जो आपके चॉइसेस, आपके संघर्ष और आपकी ख्वाहिशें समझ ले, तो ये स्वतंत्रता की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। जब तक गौरव कनेक्टेड हम तुम के कैमरे की तरह महिमा की बात दिल से नहीं सुनेगा, वो उसका हमसफर कैसे हो पाएगा? इस कैमरा से मन खोल के बोलने से ही तो अपने बारे में कितनी चीजें सीखी हैं हमारे पात्रों ने, और उसी से अपनी जिंदगी को बदलने के इरादे और तरीके भी तो ढूंढे हैं। आज ऐसा ही होने वाला है प्रीति के साथ, जब उसे अचानक एहसास होगा कि उसकी एक छोटी सी आजादी में छुपी है एक बड़ी कमजोरी। पहले हमारा नंबर ले लो। संजू हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहता है कि सब रेस्टोरेंट्स मुझे नाम और आवाज से पहचानते हैं, और मुझे कई बार हमारा एड्रेस भी नहीं देना पड़ता है फोन पे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ और उनको कहाँ डिलीवरी करनी है। आई थिंक ये आदत तब से है जब से मैं छोटी थी, क्योंकि आई थिंक हमारे घर में फैमिली टाइम या फैमिली मील टाइम जो बोलते हैं, काफ़ी छोटे उम्र से यू नो कम होता गया। अगर फैमिली टाइम होता था तो वो फैमिली टाइम नहीं था, वो पार्टी टाइम था। अगर मेरे माँ बाप बाहर जा रहे होते थे तो मैं घर पर अकेली होती थी। मुझे शायद खुश रखने के लिए या चुप रखने के लिए मुझे बोला जाता था बाहर से खाना मंगा लेना, तो मेरे लिए वो एक हैप्पी टाइम बन गया। यू नो, जो एक्चुअल अंदर का खोखलापन था उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बाहर से खाना मंगाना और रिच खाना मंगाना, आई थिंक वहां से शुरू हुआ। आई विश कि मेरे घर में हम सब साथ में बैठ के खाना खाते जब तक मैं बड़ी हूं, क्योंकि आज तक वो अंदर का बच्चा यही मांग रहा है कि कोई उसके साथ बैठकर खाए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और अपने आप को उस लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ में नहीं ला पा रही हूँ जो मुझे एक्चुअली चाहिए। खाने के बारे में इतना सोचकर मुझे ऐसे एहसास हो रहा है जैसे मुझे अपने आप में कुछ चेंज लाना है, एक तरह का बदलाव लाना है। कहना आसान है,
मुझे आजादी चाहिए, पर पहले ये भी तो समझना जरूरी है किस चीज से आजादी। जब तक हम अपने बंधन को पहचानते नहीं, उससे स्वतंत्रता कैसे पाएंगे? पर यह समझना मतलब अपने आप से सवाल करना, अपनी कमजोरियों का सामना करना, थोड़ा रोना, वो सारी चीजें जो प्रीति ने की कनेक्टेड हम तुम के कैमरा को अपना हम सफर बना के। ठहरी सी जैसे ही मैं बात करती हूँ, ऐसे नहीं लगता कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, ऐसे लगता है कि मैं एक डायरी नहीं बल्कि एक दोस्त से बात कर रही हूँ, अपना मन हल्का कर रही हूँ। तो यू नो एक रियलाइजेशन आती है जब हम अपने फीलिंग्स को मतलब फेस करते हैं और अंदर अंदर ही नहीं रखते हैं। सो अच्छा लगने लगा है एंड एक बार फिर मैं अपने आप को अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? ट्राई करके गिरना ठीक है, पर बार बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्रीति, वाकई एंड गुड लक। यही विशेष हम पल्लवी को दे सकते हैं कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। एक नौकरी से छुट्टी पाई, अब अपने ही फैमिली बिजनेस में काम कर रही है, पर लगता है पल्लवी को अभी भी फील हो रहा है कि आजादी बस एक ख्वाब है। हद से ज्यादा गर्म है और मच्छरों का इन्फेस्टेशन है यहाँ ऑफिस में। इतने मच्छर, बैट लाना भूल गई हूँ मैं अपना। यहाँ तो टॉयलेट जाने के लिए इतना भटकना पड़ता है। अभी आसपास वाले सब पहचान गए होंगे, ये मैडम यहाँ से टॉयलेट यूज करने के लिए आती है। यहाँ पे सब फ्लैग शॉप आ गया, फ्लैग शॉप आ गया मतलब वो उसने अभी रखने लगे सामान। कहाँ कहाँ पे बताता ना, सब बता रहा हूँ। आइए पहले लिखो सत्यम, ऑडियो AUDIO, रिदम हाउस इज इन दिस थिंग। यू सेड सत्यम ऑडियो रिदम हाउस, व्हाट डू आई राइट? रिदम हाउस हु सत्यम? Another place, Satyam Collection. See, one by one. I'll explain you, one second. Rhythm House is Bombay's largest, what do you say, audio music thing. So, numbers let you on, okay? Take the numbers down. I'm okay, taking, only if you say, bolo. क्या हो रहा है यार? Give the number ना, I'm waiting. तो क्या हो रहा है भाई? Why are you getting so bugged? I'm not getting bugged. Two two eight four. Do you have a point of contact there? मुझे जो बोलना है अब अगर वो बोल दिया तो झगड़ा होगा, इसीलिए बेटर ये है कि मैं घर वापस चली जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि हम दिन भर साथ में रहें, एंड आई डोंट पर्सनली थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर अ कपल टू वर्क टुगेदर इन एंड डे आउट। इसीलिए मुझे दिन का ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। आई कैन डू इट एवर आई लाइक। जब तक पूरा घर मेरा है, सारे रूम मेरे हैं, हर कोना घर का मेरा है। बिकॉज दिस हाउस इज फुल ऑफ नेल्स, समटाइम्स आई फील कि वो सब बहुत पर्टिकुलर है अपनी टेरिटरी के बारे में। अब दुनिया से शिकवा नहीं है, ना रहा अब जिंदगी से गिला। नहीं होता किसकी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। किसकी दुआ है या नसीबों से तुम। आपको क्या लगता है, पल्लवी एक्चुअली इतनी बंधी हुई है कि सिर्फ उसे ऐसा लगता है? मुझे लगता है जब तक पल्लवी अपने आप को ठीक से नहीं समझेगी तो उसको जितनी भी आजादियां मिले वो अपने आप को फिर भी बंधा हुआ महसूस करेगी।
अगर वो चाहती है कि महिमा की तरह बंधनों में रह के भी आजादी महसूस करे, तो आई फील कि प्रीति की तरह थोड़ी हिम्मत करके उसे अपने आप को समझना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आजादी एक दिन मांगने से तो मिली नहीं, संघर्ष करो तो मिलती है, और मिल भी जाए तो लड़ाई जारी रखनी होगी इस कीमती अनमोल आजादी को बनाए रखने के लिए, हमारी लेडीज को भी, मुझे भी और आपको भी। सो इसी बात को दिल में रखें, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल फिर होंगे कनेक्टेड हम।